देखिए ना, एक तरफ बढ़ रहा है गर्मी का पारा, तो उधर इस गर्मी से बचने के लिए आदित्य और पंखुड़ी ने लिया फ्रूट सैलेड का सहारा। हमें बताया गया है कि बहुत गर्मी है मुंबई में। हमें तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम प्यार का दर्द करते हैं, तो भाई कूल शो। तो गुरु गुरु हो जाओ शुरू, बस हाँ एक ही कंडीशन, फ्रूट सैलेड होना चाहिए एकदम आर्टिस्टिक। मैं तब तक केले की छिलके निकालता हूँ, बहुत बड़े आर्टिस्टिक तरीके से निकालूंगा, ये देख। और ये दूसरा वाला निकला, आप मुझे कॉन्सेंट्रेट कर। देखिए देखिए देखिए, कितना प्यारा केला है, सफेद केला है, ये तो गोरा निकला अंदर से। केला इसके माँ बाप भी गोरे होंगे। आ, ये शायद फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है, बहुत गोरा है, तो मुझसे भी ज्यादा गोरा है। हाय हाय, पंखुड़ी जब केले को काटती है केला कितना खूबसूरत लगता है। अभी पंखुड़ी काटेगी इस वाटर, अभी इस वाटरमेलन को काटे, चलो इसको चाकू मारो, संभाल के मेरा हाथ पकड़ो। हाँ अभी आप पता क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे निकालना है। ओह बहुत ही प्यारा शेप है, मतलब एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसको और काटना पड़ेगा, अब आप काटो। अभी मैं काटता हूँ, अच्छा ओह ना, जैसा दिल करे वैसा काट लो, टेस्ट तो वही करे, ठीक है। अभी ना मैं फ्रूट सैलेड के बीच में केले को डालूंगा, देखिए देखिए देखिए, हाय हाय बहुत ही खूबसूरत केला है, समझ नहीं पड़ रहा है। भी लगाइए ना, वाटर भी लगाइए ना। और अब इन सब की बात आई फ्रूट के सरताज आम की बारी। I think before putting it and serving it to everyone, we should taste it. Okay. अच्छा expression देना अगर अच्छा भी नहीं। Mango वैसे मीठा होना चाहिए ना? हाँ, तो ये कड़वा है क्या? ये खट्टा है। फाइनली हमारा फ्रूट सैलेड जो है वो एकदम रेडी है, हमने बहुत प्रेम से और एकदम साफ स्वच्छ हाथों से धोकर और साफ चाकू से और साफ प्लेट से बिछाया है, साफ दिल से, हाँ वो तो बना दिया है। तो गर्मी आ रही है तो आप फ्रूट खाइए। और पूजा त्रिवेदी, मुंबई आज।